अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग। उम्मीद करते हैं यार आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है वो काफ़ी देर के बाद व्लॉग बना रहा हूँ, और जो है ना अभी मैं काम से आया हूँ, और काम से आगे मैंने असर की नमाज़ पढ़ के और अभी जो है फ्री हुआ, और अभी जो है ना इफ्तारी वगैरह बनानी है। घर में कोई भी नहीं है, अब्दुल्लाद वगैरह गया हुआ है वो शॉपिंग करने साथ ही नाम के, तो अभी जो चलते हैं नीचे चल के जो है ना इफ्तारी वगैरह बनाते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो यार मैं व्लॉग वगैरह नहीं बना रहा था काफ़ी दिनों से ना, मेरी तबीयत वगैरह ख़राब थी। ये आप देख सकते हैं मैंने जो है वो कितना ये गंद डाला हुआ है, टिशू जो है ना नाक साफ कर कर के इधर फेंके हैं। मुझे ज़ुकाम हुआ हुआ है काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी देर से, रमज़ान से पहले ही अभी तक ठीक नहीं हुआ, तो मेडिसन वगैरह खा रहा हूँ, अल्लाह खैर करे हो जाएगा ठीक। तो अभी चलते हैं नीचे चल के जो है ना देखते हैं क्या बनाना है, सामान वगैरह चेक करते हैं, तो मिलते हैं आपको नीचे पहुँच के। तो यार किचन में जो है वो मैं आ गया हूँ, ये सामान वगैरह कुछ मैंने तैयार करके रखा हुआ है काफ़ी देर पहले का। तो ये आलू वगैरह जो है ना मैंने कहा चलो मैं पहले चल के जो है ना नमाज वगैरह पढ़ लेता हूँ, तो ये आलू मटर भी मैंने पकाए हैं। ये मसाला वगैरह आलू मटरों का रखा हुआ है, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें, ये इसमें चिकन है, ये सारा मैंने इधर रखा है तैयार करके, चिकन तैयार है। इसमें बस ये जो है वो आलू मटर ऐड करने हैं जो है ना, ये इसमें डालेंगे तो हमारा जो है वो सालन भी तैयार हो जाएगा। जो है ना अभी हम इसको, ये चिकन भी रख के गया था मैं जो है ना सारा मसाले वगैरह लगा के तैयार करके, तो ये इसके आलूओं के अंदर लगा के ना जो है वो इसको फ्राई करना है। और मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ, पीछे मेरी मामा खड़ी हो के हंस रही हैं, ये सारा काम उन्होंने किया, मैंने सिर्फ फ्राई करना है, तो वो पीछे देख पीछे खड़ी हो के हंस रही हैं कि सारा क्रेडिट खुद ले जा रहा है। ठीक है अभी हम जो है वो इसको फ्राई वगैरह करते हैं और मिलते हैं आपको। तो यार अभी हम जो है वो इसमें ऑयल वगैरह डालते हैं, और ये देखें मैंने जो है वो आलू मटर इसमें ऐड कर दिए हैं, ये पकड़ी है, तो अभी हम इसमें ऑयल डालते हैं। तो यार ये मेरे है जो कॉर्नफ्लोर है उसमें थोड़ा सा मैदा है, फिर उसके अंदर जो है वो नमक और काली मिर्चें डाल के इसको जो है मसाले वगैरह डाल के तैयार कर लिया और अभी जो है वो आपको करके दिखाते हैं करना क्या है। ये देखें ये आलू ले लिया, इसको हम रखेंगे इसके अंदर, इसमें मैदे मैदा लगेगा, ये पीलियाँ निकालनी पड़ेंगी। तो ये देखें इसको इसके अंदर अच्छी तरह डिप करके, ठीक है ये आ गया, इसको हम इधर रखेंगे, इसके अंदर एक रखेंगे चिकन पीस बोटी, ये ऐसे, फिर इसको ऐसे फोल्ड करके और इसके अंदर ये आ गई लॉजी। अब इसको हम रख देंगे इसके अंदर ऐसे करके, तो मैं ये पकेगा क्योंकि चिकन है तो इसको पकते पकते टाइम लगेगा। अभी हम दूसरे भी तैयार करते हैं, काफ़ी हैं, फिर आपको जो है वो बाद में दिखाते हैं कैसे बने। ये चीज़ है हमारी, ये जो है वो तैयार हो रही है, ये मैंने काफ़ी सारे बना के इसको फ्राई करने के लिए रखे हैं, तो बाकी जो है वो ये पड़े हुए हैं, अभी ये तैयार हो रहे हैं। उधर हमारे जो है वो आलू मटर भी पक गए हैं, थोड़े से शोरबा तैयार कर रहा हूँ, हो गया बस थोड़ा सा रह गया। इधर जो है वो हमारा ये चल रहा है, ये बस इसमें से एक दो फ्राई हुए हैं, बाकी होते हैं, और आपको जो है वो ये भी सारे बना के फिर मिलते हैं बाद में। लो जी ये हमारे निकल आए हैं, और हमारी ये चीज़ तैयार हो गई है, और साइडों पे जो है वो लेज टाइप फ्राइज़ बन गई, और दरमियान में चिकन, आप देख सकते हैं क्या ही मज़े की बनी है। बाकी ये जो है वो आपको इफ्तारी के बाद टेस्ट करके बताएँगे, अभी जो है वो इफ्तारी में पूरा आधा घंटा है, तो बाकी ये वाले इसमें जो है वो डालते हैं और इनको फ्राई करते हैं। इसको कहते हैं टिक्का पटाटो, पटाटो या पटाटे जो भी है। एक ये चिकन पीस भी बड़ा था और आलू छोटे थे, तो मैंने इसे बर्गर टाइप कर दिया।
यार ये जो बाकी के आलू बचे ना इनको मैंने जो है ना लेस टाइप फ्राइज टाइप जो है वो कॉर्नफ्लोर लगा के इसको जो है वो आप बाद में फ्राई कर लेंगे, लेकिन पहले अभी ये हो रहा है फ्राई। ये कुछ तैयार हुए हैं और देखने में तो काफ़ी मज़े के लग रहे हैं, बाकी आपको जो है वो इफ्तारी के बाद ट्राई करके बताएंगे कैसे हैं। तो यार ये फाइनली हमारे हो गए हैं तैयार, इनको जो है वो हम निकाल लेते हैं। ये देखो भाई साहब सारी इफ्तारी मैंने बना ली है, ये लूड़ लूड़ फिर के जो है वो अब आ गए हैं घर वापस। वो दूसरा वो देखो वो भी ऐसे ही क्या, ये देखो टोपी मैन, इसको जो है वो फिरने से अलावा और काम ही कोई नहीं है जी। किधर फिर दे पैसो है बोलना, काम से जल्दी छुट्टी कर गया था, 2 बजे काम से निकल गया था, तब से सड़कों पर जलील हो रहे हैं, शॉपिंग करने निकले हुए हैं। तो जो है ना फिर अभी जो है वो आए हैं घर वापिस। ये जो है वो भाई शेमा फातिमा के लिए लाया फ्रॉक ईद पे पहनने के लिए माशाल्लाह। और आप क्या लाए हो, पैंट शर्ट? मैं कुछ भी नहीं लाया, वो और ये गरीब को वो ट्रोजर ले देना था। ले लिया ले लिया ले लिया दिखाओ कौन सा लिया है। और गुड्डी नहीं लाए यार तुम लोग? पाए ना उन्होंने क्या चली गई शर्मी दी, वो लड़ पे उन्होंने तो चपेड़ा मारी है मेरे। तुम उधर आए थे इसको टैटू पिया है मगर ना लिया, वो टैटू नहीं नजर आ रहा, मैं नजर आ रहा हां ओ ही बनावांगे साल हो मले दे पॉकेट ब्रेड बनावांगे अम्मी, ठीक है समोसे बनावांगे रोल बनावांगे जमे भी बनावांगे नहीं स्मोक थी पता नहीं की थी। यार ये हमारा तैयार है और इफ्तारी जो है वो हो चुकी है, और इसमें थोड़ा सा मसाला डालते हैं। ये लेज है उस पर डालो भाई साहब, और इसको जो है वो हम खा के चेक करते हैं। ऐसे नहीं मजेदार मजेदार मजा आ गया। माने ऐसे करते हैं, ये देखो ऐसे पकड़ के फंस गई। तो फाइनली यार इफ्तारी वगैरह जो कर ली थी और नमाज वगैरह पढ़ के अभी जो है वो वापस आया हूँ घर, और जो है मैंने थोड़े से दही भल्ले खाए हैं, ये बंदा इधर लेटा हुआ है। तो अभी जो है ना चलते हैं, डेली रूटीन है मेरी, मैं इफ्तारी करके जो है ना वॉक करता हूँ रोज़ाना। तो अभी जो है वो चलते हैं वॉक करेंगे जाके, जब तक ईशा की ज़ार नहीं होती फिर ईशा की नमाज़ पढ़ेंगे, फिर आपको मिलते हैं अभी चल के पार्क में। तो फाइनली यार पार्क में जो है वो मैं आ चुका हूँ, और यहाँ पे जो है वो हम करेंगे अभी वॉक जब तक ईशा की अजान नहीं होती है। सामने ही मस्जिद है, अजान होगी अजान की आवाज़ आएगी फिर हम चलेंगे नमाज पढ़ने। अभी आधा पौना घंटा पूरा है, अभी 7 बजे है, 7:45 अजान होगी, तब तक हम करेंगे इस पार्क में वॉक। आप देख सकते हैं बिल्कुल खाली पार्क है, इस वक्त वॉक करने का बहुत मज़ा आता है, सुबह के टाइम भी खाली होती है, लेकिन अभी रोज़े हैं तो इस टाइम करता हूँ मैं, मिलते हैं आपको बाद में। तो फाइनली यार मैं वॉक वगैरह करके जो है वो घर वापस आ गया हूँ, वॉक की नमाज पढ़ी, नमाज वगैरह पढ़ के घर वापस आ गया। उम्मीद करते हैं आपको जब लोग पसंद आया होगा। यार रमजान की रूटीन तो बस यही है, कभी इफ्तारी में साथ हाथ मिला देते हैं, तो कभी जो है वो इफ्तारी वगैरह करके उसके बाद मैं रोजाना डेली वॉक करने जाता हूँ। वो पता है खाना वगैरह खा के ऑयली चीजें खा के पेट भी बाहर आ जाता है, और एक जो है ना अगर खा के लेट जाओ ना तो फिर जो है ना बुरा हाल हो जाता है। तो जो है वो मैंने रमज़ान में डेली रूटीन बनाई है वॉक करने की, तो इंशाल्लाह जो है वो ये रमज़ान के बाद भी जो है वो इसको जारी रखेंगे। तो अभी जो है वो इस व्लॉग को हम करते हैं यहाँ पे एंड, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।